What a beautiful view of sunrise from Madan Fort. So let's begin our journey where we left from Alang. Alang is too huge. आपको पूरा अलंग एक्सप्लोर करना है तो आपको 2-3 घंटा चाहिए. हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं. अभी हमें जल्दी से रैपलिंग पॉइंट में पहुंचना है, वहां से नीचे उतरना है लंच के लिए, फिर आगे मूव करना है. या दैट्स मी. शो बस भी कर चल फटाफट. कमांडो रैपलिंग, अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में या आपके साथ जो एक्सपर्ट है उनको पता है इसे कैसे करना है तो वही ट्राई कीजिए, वरना प्लीज डू द नॉर्मल रैपलिंग ओनली. सो वी हैव डन द रैपलिंग, मतलब मैंने रैपलिंग कर लिया. अभी मैं भाग रहा हूँ, जरूरत नहीं संभाल के लेके. बस तो मैं जा रहा हूँ आगे, खाना खाने का टाइम. लंच, इट्स लंच टाइम. तो ये स्टेयर्स से उतरना है, फिर वो 25 फीट का रॉक पैच, दैट्स द रॉक पैच. और वहाँ पे केव जहाँ पे हमारा लंच चालू है. सब लोग लंच हलन के केव में लंच करने के बाद हम मूव कर रहे हैं टू मदन. और उसके लिए सिंपल रूट है, केव स्टेयर्स, केव के बाद स्टेयर्स, देन स्ट्रेट रूट अंबेवाड़ी विलेज के तरफ जाता है. और ये जो लेफ्ट रूट है ये अलंग का ट्रैवर्स है जो स्ट्रेट आपको खिंड के तरफ लेके जाएगा. ये अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट लगेगा कवर करने के लिए, और उसके बाद मदन का ट्रैवर्स स्टार्ट होता है. अभी जस्ट वहाँ पे खिंड स्टार्ट होगा जहाँ पे अलंग एंड होगा एंड मदन विल स्टार्ट. देन फ्रॉम देयर मदन ट्रैवर्स विल स्टार्ट फॉर राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड. Then as you can see, there is a stairs. Yeah. And after completing that stairs, there is a 40 feet rock patch. And above that, somewhere we have to go towards this side and then upward. Let's see. Here is right side mein Alang hai, aur ye center mein khind hai. यहाँ दो रूट है, जहाँ एक रूट जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये जाता है कुलंग की तरफ, और राइट साइड जो रूट है मदन की तरफ जाता है. अलंग और मदन के सेंटर में आने के बाद जो खिंड बोलते हैं उसके बाद मदन का छोटा सा ट्रैवर्स है 2-3 मिनट का, वो सिंपल है, आप इजीली कवर कर लोगे. उसके बाद ये स्टेयर्स स्टार्ट होता है, रॉक कट स्टेयर्स. ये थोड़ा सा है, चढ़ना है, उसके बाद आगे देखते क्या है. मदन का फर्स्ट स्टेयर्स क्लाइंब करने के बाद एक पैच है जो थोड़ा ब्रोकन है, तो थोड़ा रिस्की है, बट अगर आप अच्छे से ग्रिप करोगे और रोप को प्रॉपरली यूज़ करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे. फिर उसके बाद फिर से छोटे से स्टीप स्टेयर्स है जो क्रॉस करने के बाद 40 फीट का रॉक क्लाइंब आता है. एकाए प्रकार है. ओहो पापरे काय करू, आराम आत्ता. ओके
अरे सोपा है, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल। ओके okay. भाई कौन है आगे? क्यों है आगे? ट्रैफिक जाम है आगे। अच्छा नाइट ट्रैक ऑन मदन फोर्ट। वाओ, एक्चुअली अलंग फोर्ट का जो हमने क्लाइंबिंग और रैपलिंग किया था वो प्रिकॉशन रखने के हिसाब से हमने बहुत स्लोली किया था ताकि सभी को गाइड कर सके और सभी को इजीली ऊपर चढ़ा सके और नीचे उतार सके, जो अच्छे से हुआ था। बट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया, बट गुड कि सेफली सब नीचे आ गए। हमने लंच किया, उसके बाद हम जब मदन फोर्ट पहुँचे तब सनसेट होने लगा था, तो लाइट की विजिबिलिटी में हमें ऊपर चढ़ना था, जो रॉक पैच कंप्लीट करना था, इसलिए हमने फटाफट सभी ट्रैकर को गाइड करते हुए ऊपर रॉक पैच के ऊपर पहुंचा दिया। जब ऊपर पहुंचे तब तक विजिबिलिटी कम हो गया था, तो थैंक्स टू एवरीवन कि हम सभी ने फ्लैशलाइट लाया था जिसके हेल्प से हमने जो मदन का स्टेयर्स है स्टेयर्स कंप्लीट करके फिर जो फर्स्ट वाटर टैंक आता है वहाँ पहुँचे। उसके बाद ये जो रूट अभी आप देख रहे हैं अंधेरे में वो है, और इसके थोड़ी ऊपर केव केव है मदन का। इधर ही हो, इधर ही हो, इधर हो। अरे वो तेरे को पावर बैंक चाहिए था? हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। तो ये जो सामने सी शेप में है ये अलंग फोर्ट है, उसके आगे कलसुबाई सकीरा और क्रीड़ा माउंटेन है। मदन के टॉप में एक ऑरेंज कलर का फ्लैग है जो इसका पीक पॉइंट है, जहाँ से आपको अलंग और कुलंग का अच्छा व्यू दिखता है, कलसुबाई बाकी सारे माउंटेन भी दिख जाते हैं अच्छे से। और आप अगर नीचे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको एक जो मदन का केव है वो दिखेगा और दो पानी की टाकी है वो दिखता है। जिसमें 25 टू 30 पीपल सो सकते हैं आराम से, और जो पानी की टाकी है ड्रिंकेबल है यूज़ करने के लिए कुकिंग ड्रिंकिंग, और अगर आपको वॉशिंग कुछ करना है तो वो प्लीज़ साइड में एक किसी में रिफिल फिल करके यूज़ कीजिए।
अलंग मदन कुलंग में से सबसे ज़्यादा रिस्की जो क्लाइंब है वो मदन का है। उसमें 40 फीट का रॉक पेस तो है बट स्टीप स्टेयर्स है, और वो स्टेयर्स में अलंग जैसे पॉकेट भी नहीं है जो आप ग्रिप रख के ऊपर चढ़ सकते। तो अगर आप मदन का कभी भी प्लान करो तो बहुत केयरफुली ऊपर क्लाइंब कीजिए और एक एक्सपर्ट के साथ ही क्लाइंब कीजिए। मदन का जो टॉप में रॉकेट स्टेयर्स है उसके मिड में एक छोटा सा केव है, माइट बी रेस्टिंग पॉइंट और वॉच टावर जैसा कुछ। स्टेयर्स के बाद जो डिसेंट है वो बहुत ही स्टीप है, तो केयरफुली स्लोली स्लोली डिसेंट करने के बाद आपको फिर छोटा सा ट्रैवर्स दिखेगा जो आपको 40 फीट का जो रॉक पे जो वहाँ पहुँचा देता है। एक चीज़ मुझे पता चला है कि अलंग फोर्ट में आप विदाउट रॉक क्लाइंबिंग के आ सकते हैं थ्रू उधवने विलेज जो ईस्ट साइड में पड़ता है। उधर वहाँ से आप अगर आते हो तो आपको स्टीप स्टेयर्स है और लैडर्स है, फिर केव्स है, वो केव्स के बाद आप डायरेक्ट जो टॉप में वाटर टैंक है, वाटर टैंक और शिवलिंग, वहाँ से वहाँ पर पहुँचोगे तो आप वहाँ के केव्स पूरा व्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं इजिली विदाउट क्लाइंबिंग ऑन डैट रॉक पैच। फिर वहाँ से आप वापस यू टर्न मार के रिटर्न जा सकते हैं। बट अगर आपको मदन फोर्ट करना है या कुलंग करना है तो आपको रॉक पैच करना ही पड़ेगा। फीट का रॉक पैच मदन का कंप्लीट करने के बाद रैपलिंग डाउन और हम मूव कर रहे हैं स्टेयर्स की तरफ। थोड़े स्कैरी है यहाँ पे बट लेट मैनेज सी।